हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास सेवन्थ के साइंस पढ़ेंगे, उष्मा का संचरण। हमने देखा है कि लोहे की छड़ से एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। और आपने देखा दूसरा उदाहरण, बीकर में पानी लेकर उसे नीचे से गर्म करने पर संपूर्ण पानी गर्म हो जाता है। इसी प्रकार सूर्य से अधिक दूरी होने पर भी उष्मा सूर्य से पृथ्वी तक पहुँच जाती है। इस प्रकार हमें देखेंगे कि उष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की प्रक्रिया को उष्मा का संचरण कहते हैं। अब हम देखेंगे कि उष्मा के संचरण की विधियां। उष्मा संचरण की विधियां तीन प्रकार की होती हैं। उष्मा का संचरण पदार्थ की प्रकृति और उसकी अवस्था पर निर्भर करता है। या तीन विधियों को हम देखेंगे। पहला है चालन। चालन विधि किसे कहते हैं देखेंगे। ठोस में उष्मा का स्थानांतरण चालन के द्वारा ही होता है। इस संबंध में हम एक प्रयोग द्वारा देखेंगे कि किस प्रकार से ठोस में उष्मा का चालन होता है। हम क्रियाकलाप के द्वारा देखेंगे कि सबसे पहले हम लेंगे एक बीकर को, अत्यधिक गर्म करेंगे, उसमें पानी डाल के गर्म करेंगे और धातु के चम्मच के एक सिरे को डुबाकर दूसरे सिरे को हाथ से पकड़ कर रखेंगे। हम देखेंगे कि धातु का यह सिरा जल्दी ही गर्म हो जाएगा और इसे हम पकड़ के रखना हमारे लिए संभव नहीं होगा। या ऐसा क्यों हुआ, या इसलिए हुआ कि क्योंकि यह प्रक्रिया तभी होती है जब उच्च ताप पर एक वस्तु अपेक्षाकृत निम्न ताप वाली दूसरी वस्तु के संपर्क में आती है, तो उष्मा संचरण की यह प्रक्रिया चालन कहलाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उष्मा संचरण की यह प्रक्रिया, जिसे पदार्थ के अणु अपने स्थान से स्थानांतरित हुए बिना उष्मा का संचरण कार्य करते हैं, चालन कहलाती है। या इनकी उष्मा संचरण की दो शर्तें होती हैं। पहला है दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो जाती है और दूसरा है उनके ताप भिन्न हो। अब हम दूसरी विधि को देखेंगे, संवहन। द्रव एवं गैसें उष्मा की सुचालक न होने के कारण इन्हें चालन विधि के द्वारा उष्मा का संचरण संभव नहीं होता है। इनमें से होकर उष्मा संचरण को समझने के लिए आइए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप में हम देखेंगे कि गोल पेंदी के एक फ्लास्क में आधा पानी भरकर उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ टुकड़े डाल देंगे, फिर पानी को नीचे से गर्म करेंगे। नीचे का पानी उष्मा के संपर्क में आने के कारण गर्म होकर फैलता है और हल्का होने के कारण ऊपर उठ जाता है, जबकि ऊपर का ठंडा पानी भारी होने के कारण नीचे आ जाता है। इस प्रक्रिया को पोटेशियम परमैंगनेट के कारण लाल हुए पानी की धाराओं द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस प्रक्रिया को लगातार चलते रहने के कारण संपूर्ण पानी गर्म हो जाता है और लाल भी हो जाता है। गर्म होते समय द्रव और गैसों के चलने वाला इन धाराओं को संवहन धारा कहते हैं। यह संवहन विधि का चित्र है। उष्मा संचरण की यह प्रक्रिया, जिसमें द्रव एवं गैस के अणुओं की गति के परस्पर उष्मा के स्थानांतरण होना संवहन कहलाता है। अब हम देखेंगे तीसरी विधि, विकिरण विधि। चालन और संवहन के में उष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच लंबी दूरी तक कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है, फिर भी उष्मा सूर्य से पृथ्वी तक पहुँच जाती है। इसे समझने के लिए हम एक प्रयोग करेंगे। थर्मामीटर की सहायता से वायु का ताप नोट करेंगे, फिर उसे देखेंगे कि बल्ब एक जलती हुई मोमबत्ती की लौ के पास तुरंत नीचे रहे, परंतु ना थर्मामीटर का पाठ्यांक नोट कर लेंगे। अब देखेंगे कि ताप में वृद्धि हुई। वायु ऊष्मा का सुचालक है, अतः चालन द्वारा ऊष्मा थर्मामीटर तक नहीं पहुँच सकता और संवहन भी की प्रक्रिया में ऊष्मा नीचे की ओर नहीं जा सकती। इस विधि में ऊष्मा थर्मामीटर तक पहुँची कैसे, यह देखेंगे। यह विधि विकिरण कहलाती है। इसकी परिभाषा निम्न प्रकार से है। उष्मा संचरण की यह प्रक्रिया, जिसमें उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है नहीं होती है, विकिरण कहलाती है। थैंक यू।